टिकटॉक को फाइनली दोस्तों वापस से बैन कर दिया गया है। इंडिया के बाद वो ऐसे कौन से देश हैं जहां पर इस टिकटॉक को टोटली बैन कर दिया गया है। गाइस मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है 2020 के अंदर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया था इंडिया के अंदर, क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जो कि बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड, जो कि सेफ्टी पर्पस के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उन चीजों को नोटिस किया और फाइनली टिकटॉक को बैन किया, क्योंकि टिकटॉक एक चाइनीज बेस्ड कंपनी है और आपको भी पता है कि चाइनीज बेस्ड कंपनीज हमारे डेटा के साथ क्या क्या कर सकती है। अब इंडिया के बाद दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर टिकटॉक को बैन करने की मांग होने लगी है। इतना ही नहीं कि यूके बेस्ड जितनी भी कंट्रीज है वहां पर भी फाइनली बैन करने की बात हो रही है और अब इस टिकटॉक को फाइनली बैन किया जाएगा। कुछ कंट्रीज तो ऐसी है जहां पे टिकटॉक को बैन कर दिया गया है और आज उनकी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। यूएस, यूके, कनाडा और अब तो न्यूजीलैंड के अंदर भी इसे बैन कर दिया गया है। बाकी कंट्रीज में भी इस ऐप के बारे में बैन करने की बात की जा रही है ताकि हमारा डेटा सेफ और हमें उससे कोई भी रिस्क ना हो। इस चीज के अंदर हमारा हिंदुस्तान पहले नंबर पर निकल जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा और एक फ्यूचरिस्टिक डिसीजन था हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको फाइनली पूरी दुनिया फॉलो कर रही है और आज अलग अलग कंट्रीज में भी टिकटॉक को बैन किया जा रहा है। अगर आपको भी ये डिसीजन अच्छा लगा हो सबसे पहले इंडिया का, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाइए जय हिंद किए, क्योंकि ये डिसीजन सबसे पहले इंडिया ने लिया और यहां पर फाइनली टिकटॉक को बैन किया गया। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्टोनिक्स, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।